हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा केक मंत्रा। आज हम ट्रेंडिंग स्पेसर केक सीखने वाले हैं। आज हम 1.5 केजी का स्पेसर केक बनाने वाले हैं। ये केक मैंने मेरे जीजा जी के बर्थडे पर बनाया था। ये चॉकलेट फ्लेवर केक है। इस केक में हमने स्पेसर बॉक्स का यूज़ किया है। इस वीडियो में मैंने स्पेसर केक कैसे बनाना है वो डिटेल में बताया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप स्पेसर, फॉल्ट लाइन और स्प्लैटर केक, ऐसे 3 टाइप के केक बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 1.5 केजी केक के लिए मैंने 7 इंच और 4 इंच के टिन में स्पॉन्ज बना के लिए हैं। हमें दोनों भी केक की हाइट ज़रा ज़्यादा चाहिए, तो मैंने दोनों भी स्पॉन्ज को 4 लेयर्स में कट करके लिया है। इसके बाद मैंने दोनों भी स्पॉन्ज की लेयरिंग, क्रम कोटिंग और फिनिशिंग की है। ये मैंने कैसे किया है वो आप वीडियो में देख पाएंगे।
यहाँ पे मैंने गोल्डन डस्ट और इवेपोरेक्स लिए हैं। हमें गोल्डन डस्ट में इवेपोरेक्स ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। गोल्डन डस्ट और इवेपोरेक्स प्रॉपरली मिक्स करने के बाद हमें ब्रश की मदद से केक के ऊपर स्प्लैटर इफ़ेक्ट देना है, वो आप वीडियो में देख पाएंगे। दोनों भी केक के ऊपर मैंने फॉल्ट लाइन डिज़ाइन बनाई है और दोनों भी केक को मैंने फॉक्स बॉल्स और आर्टिफिशियल फ्लावर्स से डेकोरेट किया है। ये मैंने कैसे किया है वो आप वीडियो में देख पाएंगे। ये स्पेसर बॉक्स है तो इसमें मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स और लाइटिंग भरने वाली हूँ। इससे हमारे केक को ब्यूटीफुल लुक आने वाला है। Thank you.
ये स्पेसर केक की असेंबलिंग मैंने कैसे की है वो आप वीडियो में देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको आज के केक की डिज़ाइन? अगर आपको केक की डिज़ाइन पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।